आज की ज़ेन कथा। मीजी काल में टोकियो में विपरीत गुणों वाले दो प्रसिद्ध ज़ेन गुरु रहते थे। एक का नाम उन्शो था, जो शिंगो गुरुकुल के गुरु थे और जो बुद्ध की शिक्षाओं का शास्त्र सम्मत पालन करते थे। उन्होंने कभी शराब नहीं पी और न ही उन्होंने कभी दिन में 11 बजे के बाद भोजन किया। दूसरे जो गुरु थे उनका नाम था तांजिन, जो राजकीय विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता थे। उन्होंने कभी भी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। जब उन्हें भूख लगती खाते, यदि उन्हें दिन में भी नींद आ जाती तो वो सो जाते। एक दिन उन्शो तांजेन से मिलने आए, जो उस वक्त भी बैठकर शराब पी रहे थे। यद्यपि बौद्धों के लिए इसकी एक बूंद भी निषेध है। आओ मित्र, तांजेन ने उनका स्वागत किया, थोड़ी शराब लोगे? मैं कभी नहीं पीता, ज़ेन गुरु उन्शो ने गंभीर मुद्रा में कहा। जो पीता नहीं वो मनुष्य नहीं, गुरु तांजेन ने कहा। क्या तुम मुझे अमानवीय कह रहे हो क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, उन्शो ने क्रोध से कहा। और यदि मैं मनुष्य नहीं तो क्या हूं? एक बुद्ध, तांजेन का उत्तर था। आज की ज़ेन कथा पूरी हुई। यह जो ज़ेन का ढंग है वो काव्य अधिक लगता है, पर वह भी उन्हीं के लिए जो काव्य की दृष्टि से देखने में समर्थ हैं। अन्य के लिए तो यह एक पहेली सा दिखता है। यह जो किताब है ज़ेन हार्ट ज़ेन सोल, जिनसे हम ये ज़ेन कथाएं ले रहे हैं, उसी में यह एक पंक्ति है कि महान पथ पर कोई द्वार नहीं होता, हजारों राह उस पर आ मिलती हैं। जब कोई इस द्वारहीन द्वार से गुजर जाता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य मुक्त विचरण करता है। इस कहानी में भी बिल्कुल दोनों गुरु हैं, पर बिल्कुल अनूठे अपने ही ढंग के। इस कथा पर भी जरूर विचार करें और देखें अपने भीतर कि मेरा क्या मौलिक रूप है, मेरा क्या मौलिक चेहरा है। आज के ध्यान के लिए बैठेंगे, अगर आपने जगह ले ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई शांत जगह ले लें जहां आप थोड़ी देर आंख बंद करके स्वयं में डूब सकें। चुपचाप बिल्कुल मौन स्थिर बैठेंगे। जो भी कोई बाहर आवाज आ रही है या भीतर कोई विचार चल रहे हैं, जो भी हो रहा है बस उसके प्रति जागरूक, कुछ भी नहीं करना, बस होना। बैठें, संगीत सहयोगी होगा और इसके साथ ही यह जो आज की ज़ेन कथा का सेशन है वो पूरा हो जाएगा।